नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में लगभग 60% वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष के लिए भारत G20 की अध्यक्षता के बारे में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत और जर्मनी ने दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने में सुगमता के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। और कतर में फीफा विश्व कप में आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान और क्रोएशिया का मैच जारी। देर रात ब्राजील और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज सुचारू रूप से संपन्न हो गया। अंतिम सूचना मिलने तक लगभग 60% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने चुनाव में भागीदारी के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। एक रिपोर्ट। उत्साही युवा मतदाता, नवदंपतियों से लेकर शतायु मतदाता और दिव्यांगजनों तक कई मतदाताओं ने अपनी विशेष भागीदारी से आज के चुनाव को खास बनाया। 69 महिलाओं सहित 833 प्रत्याशियों का राजनीतिक भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया। इस चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके 7 मंत्रियों सहित कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में थे। यह चुनाव राज्य के प्रमुख युवा नेताओं का भविष्य भी तय करेगा, जिनमें भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर और कांग्रेस के उम्मीदवार जिग्नेश मेवाणी शामिल है। उनके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जैसे सुखराम राठवा, सीजे चावड़ा, अमित चावड़ा और शैलेश परमार भी मैदान में थे। कई सीटों पर द्विध्रुवीय तो कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप क्षेत्र के निशान हाई स्कूल में मतदान किया। श्री मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत में लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी के लिए मतदाताओं और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर लगभग 52% और रामपुर विधानसभा सीट पर 31.22%, जबकि खतौली में 54.5% से अधिक मतदान की खबर है। बिहार की कुढ़नी में 53% मतदान हुआ। राजस्थान में चुरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर आज हुए उपचुनाव में शाम 5 बजे तक लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की भानु प्रतापपुर सीट पर लगभग 72% मतदान की खबर है। ओडिशा विधानसभा की पद्मपुर सीट पर आज हुए उपचुनाव में सर्वाधिक मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। अधिकांश एग्जिट पोल में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभिन्न समाचार चैनलों के एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा को 117 से 151 के बीच सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 21 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए 24 से 42 सीटें और कांग्रेस को 24 से 40 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी को 25 से कम सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जनादेश 2022। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ। बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ताज़ा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नज़र शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंडअप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 से 9:30 तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10 तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में आज सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल थीं। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बाद में पार्टी नेता रमन सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए न केवल प्रेरणादायक विषय पर की, बल्कि इन विषयों की भी चर्चा हुई। विगत वर्षों में देश कैसे एक आर्थिक शक्ति बनकर विश्व में उभरा है। कोविड का संकट था, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी भारत एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में आ गया है। G20 का नेतृत्व, ये विषय प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यह अवसर है भारत भारतीयता और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का, और G20 में प्रत्येक नागरिक नूतनता के साथ उनकी भागीदारी हो, इस बात का भी आग्रह हुआ। भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा मिल सकेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने आज नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। डॉ जयशंकर ने बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में संघर्ष, हिंद प्रशांत रणनीतिक स्थिति और अफगानिस्तान, ईरान तथा सीरिया की स्थिति पर चर्चा की। Among the issues we discussed was also cooperation in third countries, in other regions. I think today our relationship has matured to a point where our cooperation should be built more and more to the rest of the world. How can we make this happen more effectively? We already have some projects in Cameroon, in Ghana, in Malawi and Peru. But the idea was really how can we be doing very much more. I also welcome Germany's decision to participate in the India-Pacific Oceans initiative that we had started. श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने पर भी चर्चा की। On a broader scale, I think both of us spent time talking about how to create more reliable and resilient supply chains in the digital world, how to encourage trust and transparency. I think we have a common interest, India and Germany, in ensuring not just a stronger global economy, but also a more secure global economy.
सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही के लिए सहयोग मांगा जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 3 दिन का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। राज्य सरकार ने 33,700 करोड़ रुपए का पूरक बजट पेश किया। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। बजट पर चर्चा कल कराई जाएगी। सत्र के आरंभ में दोनों सदनों के सदस्यों ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक आहार सम्मेलन आयोजित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एक दिन के सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सरकार ने 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 मोटे अनाज उत्पादक राज्यों पर ई कैटलॉग जारी किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग में अपर महानिदेशक डॉ डीके यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता पोषण में मोटे अनाज का महत्व, इनका उत्पादन और पर्यावरणीय प्रभाव, उपभोग और निर्यात बढ़ाने के सरकार के उपाय और अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112371706 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान का मुकाबला क्रोएशिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर था। देर रात 12:30 बजे ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। रिपोर्ट के साथ खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। दक्षिण कोरिया की टीम फीफा विश्व कप में देर रात प्री क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील के सामने होगी। स्टेडियम 974 में होने वाले मुकाबले में एशियाई छुपे रुस्तम का मकसद एक और उलट फेर कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर होगा। टीम 12 साल के बाद नॉकआउट चरण में पहुंची है। टीम बेहतरीन लय में भी है और पिछले 5 में से 3 मैच में जीत दर्ज की है। उधर खिताब की दावेदार मानी जा रही ब्राजील के लिए अच्छी बात यह है कि स्टार स्ट्राइकर नेमार इस मुकाबले में चोट से उबरकर खेल सकते हैं। स्ट्राइकर गैब्रियल जीसस और डिफेंडर एलेक्स टेलेस कैमरून के खिलाफ लगी चोट के कारण पूरे विश्व कप से ही बाहर हो गए हैं। टेलेस के बाहर होने से रक्षा पंक्ति की मजबूती पर असर पड़ेगा। फुलबैक डेनिलो और एलेक्स सांद्रो की चोट के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि ये दोनों फिट नहीं हुए तो सेंटर बैक मार्क्विनो को लेफ्ट और डैनी एल्वेस को राइट फ्लैंक पर रखा जा सकता है। दोनों टीमों ने अब तक 7 मैच खेले हैं जिसमें ब्राजील ने 6 में जीत दर्ज की है। दक्षिण कोरिया की एकमात्र जीत 1999 में आई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू में दिन में आसमान साफ रहने लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरतला, आइजोल, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर में सुबह कोहरा छाया रह सकता है लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में लगभग 60% वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान सम्पन्न। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।
भारत और जर्मनी ने दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने में सुगमता के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। कतर में फीफा विश्व कप में आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान और क्रोएशिया का मैच जारी। देर रात ब्राजील और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।